दोस्तों, मैं हूं सिंगर राजू राजा यादव और आपका स्वागत है अपना YouTube चैनल भोजपुरी या बिहारी ब्लॉग पे। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले हमारा पिछला वीडियो पर आप लोग 1,00,000 व्यूअर्स आए हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोग का शुक्रिया अदा करता हूं। और इसी तरह आशीर्वाद प्यार देते रहिए ताकि मैं इसी तरह का वीडियो आप सबके बीच लाता रहूं। पिछला वीडियो 1,00,000 लोग देखे हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सभी लोग को। जैसा कि फिर आप देख रहे हैं, मेरा सेटअप तैयार है, यहाँ अपना न्यू मनकू थ्रेसर रेडी है, जैसा अभी मैंने इसे गैरेज से निकाला हूँ। और सबसे पहले इसको मैं धुलाई करूँगा, फिर उसके बाद आज पूरा वीडियो में देखेंगे किस प्रकार से न्यू मनकू थ्रेसर का ग्रीसिंग होता है और किस प्रकार से इसको अच्छे से ग्रीसिंग किया जाता है। क्योंकि अगर अच्छे से ग्रीसिंग नहीं होगा तो हमेशा आपका बैरिंग टूटने का शिकायत रहेगा और हमेशा आपका आवाज़ आएगा हड़म्मा में। इसलिए आज हम लोग अच्छे से इसको ग्रीसिंग करने सीखेंगे। जैसा कि देख रहे हैं, अपना न्यू मनकू थ्रेसर यहाँ रेडी है, इसको अभी हम लोग सफाई करेंगे। तो सबसे पहले वाश करेंगे, वाश करके फिर उसके बाद इसमें ग्रीस भरेंगे। और ज़रा सा भी दोस्तों स्किप करेंगे वीडियो तो मिस हो जाएंगे कौन सा ब्लॉग में कितना ग्रीस डाला जाता है, कौन सा बैरिंग में कितना ग्रीस डाला जाता है और किस चैम्बर में कितना आपको हाइड्रोलिक वायर डाला जाएगा और कौन सा आपका वायरिंग आवाज़ कर रहा है, पता नहीं चल पाएगा। इसलिए दोस्तों ज़रा सा भी स्किप ना करें। सबसे पहले इसे मैं अभी सबसे पहले शैम्पू करेंगे फर्स्ट क्लास, एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन, उसके बाद हम लोग इसको ग्रीस डालेंगे। तो चलिए फटाफट अंदर में देखेंगे अभी शैम्पू करते हुए। मनकू थ्रेशर धोकर धुलाकर रेडी हो गया शैम्पू होकर और अपना महिंद्रा 475 DI के साथ। तो अब इसमें हम लोग ग्रीसिंग करेंगे दोस्तों। तो फिलहाल कुछ समय के लिए इसे मैं अभी धूप में सूखने के लिए दे दिया ताकि पानी जो भी फंसा होगा इधर उधर वो सारा निकल जाएगा। और इसके बाद हम लोग अब ग्रीसिंग करते समय मिलेंगे, चलिए आगे मिलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये वाला ब्लॉग सबसे मेन ब्लॉग यही है, इसमें अधिक से अधिक हम लोग को ग्रीस डालना है। क्योंकि ये ब्लॉग ऐसा है, जो ऐसा बैरिंग है दोस्तों, जो कि पूरा हड़म्मा इस पर हम लोग का निर्धारित है। और ये ब्लॉग जो ये सामने है दिख रहा है आपको दोस्तों, ये दोनों हमारा पूरा हड़म्मा का जान है दोस्तों। इसलिए इसमें हम लोग को हमेशा ग्रीस अच्छे से डालना है। और जितना ये छोटा वाला जो ब्लॉग दिख रहा है, सब में नेपुल से हम लोग को हल्का हल्का ग्रीस डालना है और हमेशा डालना है। क्योंकि ये बहुत ही खास, यहाँ पर जितना भी आपका बीट चलता है दोस्तों, इसी पे चलता है। उसके बाद दोस्तों, जैसा कि आप चैम्बर देख रहे हैं, इसमें हाइड्रोलिक वायर डलाता है। इसमें 3.5 लीटर हाइड्रोलिक वायर डाला जाता है, जो कि 3.5 mm का गियर वायर डाला जाता है। और ग्रीस हमेशा दोस्तों, जब भी चालू करें न्यू में, ग्रीस हमेशा दतुआ सारा में लगाएँ। आप जैसे देख रहे हैं कि हम लगा रहे हैं दोस्तों, जिस प्रकार से आप उस प्रकार से लगाएं, ताकि जो भी आपका दतुआ वो कभी कटे नहीं और कभी आवाज़ ना आए। अगर गियर ख़राब हो जाएगा दोस्तों तो हमेशा स्लिप करेगा फीता और लोडिंग में प्रॉब्लम आएगा। इसलिए हमेशा हम लोग इसको ग्रीस लगाना है। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, आगे वाला मेन बैरिंग जो सबसे बड़ा बैरिंग है, और ये नीचे पुल्ली का ये बैरिंग, और उसके जस्ट अपोजिट उस साइड आपको अभी दिखा रहे हैं दोस्तों, जैसे ये बैरिंग, ये नीचे वाला बैरिंग दोस्तों, ये दोनों बैरिंग हमेशा हम लोग को जब भी न्यू चालू करें कोशिश करना है अच्छे से इसमें ग्रीस भरने का। उसके बाद जैसे ये छोटा वाला बैरिंग देख रहे हैं दोस्तों, इसमें भी ग्रीस हम लोग को देना ही देना है। जैसे देखिए, हमारा ग्रीस बाहर निकल चुका है देखकर, ये देखिए ये छोटा वाला बैरिंग सर। उसके बाद हम लोग को हमेशा ध्यान देना है चार बैरिंग पर, ये एक और ये दो, दो यहाँ हो गया और पीछे हम लोग अभी दो बताए थे दोस्तों, जिसमें जैसे कि हमने बताया था सबसे मेन बैरिंग, वो दोनों बैरिंग और ये दोनों बैरिंग, ये हमेशा हम लोग को अच्छे से बैरिंग में डालना है ग्रीस दोस्तों। जैसे कि अब ये छोटा वाला बैरिंग, इससे हमारा फैन चलता है,
ये दोनों बैरिंग से फैन जो कि हम लोग का भूसा में गेहूं में भूसा नहीं आने देता, और ये बैरिंग दोस्तों जो अभी मैंने दिखाया ये दोनों बैरिंग सबसे मेन अहम किरदार यही दोनों बैरिंग निभाता है, क्योंकि दोस्तों इससे ही पूरा हड़म्मा हम लोग का चलता है, वहाँ से पुलिंग होता है, फिर ये दोनों पर लोड आता है, उसके बाद जो भी देखते होंगे हम लोग कच्चा डांट धराते होंगे तो इसमें पुलिंग होता है। इस ये वाला बैरिंग दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें चार बैरिंग है, ये चारों बैरिंग दोस्तों हमेशा हम लोग को ख्याल रखना है गर्म ना हो, और हमेशा ख्याल रखना है ये दो आगे की और दो पीछे की कि हम लोग को इसमें ग्रीस डालते रहना है, क्योंकि दोस्तों अगर ग्रीस नहीं डालेंगे हम लोग इसमें तो गर्म होगा, गर्म होने से बैरिंग फूटेगा, बैरिंग फूटेगा फिर बड़ा नुकसान होगा, इसलिए दोस्तों हम लोग को हमेशा बैरिंग में ग्रीस डालते रहना, और इस वाले बैरिंग में नेपुल से हम लोग को या तो ग्रीस डालना है या तो मोबिल डालना है। और यहाँ नीचे एक चैन दिख रहा है दोस्तों जिससे हमारा जो पुआल जो भी गेहूं होता है डांट होता है उससे घिंचता है चैन से, तो इसमें भी हम लोग को हमेशा ग्रीस डालना है। क्यों डालना है? क्योंकि स्लिप ना हो और चैन काड़ा ना हो, और ये दोनों मेन जो मैंने शुरू में ही आपको खोल कर दिखाया था दोस्तों ये दोनों सबसे अहम किरदार है हम लोगों का बैरिंग। उसके बाद इसमें गियर में हम लोग कैसे डालेंगे ये बता दिए थे, उसके बाद इस सब में नेपुल से हम लोग को हमेशा डालते रहना है, हर दो दिन तीन दिन में एक बार ज़रूर डालना है, और वो ठेहा है जो कि आपको अभी दिखाया मैंने अप डाउन होते रहता है। तो इसी प्रकार का वीडियो आप लोग को दे, चलिए दोस्तों हम लोग फिर अब अगले नए वीडियो में मिलेंगे और देखेंगे किस प्रकार से हम लोगों का मनकू थ्रेशर सरसों कैसे निकालता है, फ्रेश कैसे निकालता है। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल